हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजंस। ये क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 है। इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, द अमेज़न रिवर ओरिजिनेट्स इन द एंडीज माउंटेन ऑफ पेरू and travels through which of the following countries before it get emptied into Atlantic Ocean। हमें पता है Amazon River जो है वो South America में है, तो ये Andes Mountain से निकलती है Peru से, और question है कि कौन कौन सी country से होके निकलती है Atlantic Ocean में मिलने से पहले। तो options है हमारे पास Ecuador, Colombia, option B is Venezuela, Bolivia, option C is Brazil and option D is all of the above। तो अगर हम अमेज़न रिवर की बात करें, एंडीज माउंटेन हमने बहुत बार पढ़ा है साउथ अमेरिका में, ये नॉर्थ टू साउथ जो है जाती है ये एंडीज माउंटेन रेंज, और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। तो एंडीज माउंटेन से अमेज़न रिवर निकलती है और साउथ अमेरिका के ईस्ट में जाके अटलांटिक ओशन में मिलती है जाके। तो कौन कौन सी कंट्रीज में से होकर निकलती है, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे सही है, पेरू से निकल के ये जो बाकी कंट्रीज है इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया एंड ब्राजील, इन सबसे होके निकलती हुई अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द अमेज़न बेसिन इक्वेटर पासेस। इक्वेटर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है, और वो कंट्रीज जो है अमेज़न बेसिन में है। तो क्वेश्चन है कि अमेज़न बेसिन की कौन सी कंट्रीज में से इक्वेटर जो है वो पास करता है। तो हम यहाँ पे साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। एक तरह से क्वेश्चन ये भी है कि साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री से जो है इक्वेटर पास करता है। ऑप्शन है हमारे पास ब्राजील, ऑप्शन बी इज कोलंबिया, ऑप्शन सी इज इक्वाडोर एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो एक तरह से हम इसको याद रख सकते हैं ऐसे, बी सी ई से ऑल ऑफ द अबव, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, इन तीनों ही कंट्रीज में से इक्वेटर जो है वो पास करती है। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड। ऐसी जगह जहां पे एक नदी जो है दूसरे वाटर बॉडी में जाके मिलती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आर रिवर्स डेल्टा, ऑप्शन बी इज रिवर्स माउथ, ऑप्शन सी इज रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटरी एंड ऑप्शन डी इज रिवर्स ट्रिब्यूटरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, दैट इज रिवर्स माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following plants in Amazon forest store water in their leaves? Amazon की अगर हम बात करें, Amazon forest की बात करें, वहाँ पे कौन से ऐसे plants हैं जो कि अपने पत्तों में पानी को store करके रखते हैं। Options है हमारे पास bromeliads, option B is orchids, option C is parasite plant and option D is none of the above। अब हमें पता है Amazon के जो forest हैं, rain forest हैं, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डेंसली थिक हैं जो वहाँ के फॉरेस्ट हैं। तो क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से ऑप्शन ए जो सही है, ब्रोमलियार्ड्स जो हैं ये जो प्लांट्स होते हैं, दे यूज टू स्टोर वाटर इन द लीव्स, और कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग हो गए वो इन वाटर पॉकेट्स को यूज करते हैं एग्स देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन अमेज़न फॉरेस्ट। कौन कौन सी जो स्नेक्स हैं उनकी कौन कौन सी स्पीशीज जो हैं वो अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ऑप्शन है हमारे पास एनाकोंडा, ऑप्शन बी इज बोआ कंस्ट्रिक्टर, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो दोनों ही ये स्पीशीज हैं एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर, वो दोनों ही यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे सही होगा, एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर जो है ये कुछ स्पीसीज हैं स्नेक्स की जो इन जंगलों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ फिश आर फाउंड इन अमेज़न रिवर। कौन सी फिश की स्पीसीज जो है वो अमेज़न रिवर में पाई जाती हैं। ऑप्शन है हमारे पास डॉल्फिन, ऑप्शन बी इज पिराना, ऑप्शन सी इज टॉकन्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें स्पेशल जो स्पीसीज है फिश की, दैट इज ऑप्शन बी, पिराना फिश जो है वो इस नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मैनियोक जो है ये एक स्टेपल फूड है, मतलब प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है, किस रीजन में उगाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास गंगा बेसिन, ऑप्शन बी इज अफ्रीका, ऑप्शन सी इज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज अमेज़न। तो अमेज़न जो है
वहां पे मैनियोक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं वहां का ये स्टेपल फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। डियोडार स्पाइन एंड फर आर ए टाइप ऑफ ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, श्रब्स और एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, डियोडार और पाइन ये सब जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो शंकुधर होते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी हमें पता है ये तिब्बत से निकलती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके आसाम से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये बांग्लादेश से होकर निकलती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास हुगली, ऑप्शन बी इज ऑरेंज, ऑप्शन सी इज जमुना एंड ऑप्शन डी इज पद्मा। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज जमुना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। एज पर सेंसिस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। अगर हम 2011 के सेंसिस की बात करें जो भारत की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज 380 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी इज 382 persons per square kilometer, option C is 370 persons per square kilometer is and the option D is 400 persons per square kilometer. तो इसका जो सही आंसर है that is 382 persons per square kilometer, option B जो है यहाँ पे सही है। और ये question जो है previous year exam 2018 का जो KBS PRT exam था उसमें ये पूछा, as it is जो है ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ फिश सच एज रोहू, कैटला एंड हिल्सा आर फाउंड इन बे ऑफ बंगाल सी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सिल्क जो है बिहार और असम के कुछ जगहों पर जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और दूसरा जो ऑप्शन है जो रोहू, कैटला और हिल्सा हैं, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ फिश जो कि बे ऑफ बंगाल सी में पाई जाती हैं। और जो हिल्सा है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हिल्सा जो है इट इज़ द नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश जो कंट्री है उसकी जो नेशनल फिश है दैट इज हिल्सा। तो ऑप्शन कौन सी यहाँ पे सही होगी, ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। Where is the one-horned rhinosaur found? एक सींग वाला rhinosaur कहाँ पाया जाता है? Options है हमारे पास आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ कोलकाता इन वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कोलकाता जो सिटी है वो कौन सी नदी के किनारे जो है पाई जाती है, बसी हुई है। ऑप्शन है हमारे पास गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, दैट इज हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दीज आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट। ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, दीज आर सिचुएटेड इन असम, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर सिचुएटेड अलोंग द रिवर गंगा। ऑप्शन आर इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, दीज आर द सिटीज विच आर सिचुएटेड अलोंग द रिवर गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था, कौन से दिन लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है अक्टूबर 2, 2014, सेकेंड ऑप्शन इज अक्टूबर 2, 2015, नेक्स्ट ऑप्शन इज अगस्त 15, 2014 एंड द लास्ट ऑप्शन इज अगस्त 15, 2015। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज सेकेंड अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। ए वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु इज फाउंड इन फ्रेश वाटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कि डॉल्फिन की एक वैरायटी है जिसको लोकल लैंग्वेज में सुसु कहते हैं या उसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं, ये कौन सी नदियों के जो है फ्रेश वाटर में पाई जाती है।
और एक तरह से ये माना जाता है कि इसकी प्रेजेंस जो है, इस डॉल्फिन की प्रेजेंस, ये एक इंडिकेशन है उस रिवर की हेल्थ की, कि अगर ये जिस नदी में जहाँ पे ये पाई जाती है वहाँ पे माना जाता है कि वो पानी बहुत साफ है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल साफ पानी में रहती है। तो ऑप्शन है हमारे पास गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र जो डॉल्फिन की ये जो वैरायटी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन है हमारे पास बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम 2011 के सेंसिस की बात करें? इट इज 1102 बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसिस ऑफ 2011। इट इज 1102 पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गंगा इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इन बांग्लादेश। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पद्मा, जमुना, हुगली एंड सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, पद्मा। लास्ट क्वेश्चन इज, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें, तिब्बत से निकलती है, भारत से होते हुए बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, तो हर जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम से जो है ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास जमुना, ऑप्शन बी इज यारलुंग त्सैंगपो, ऑप्शन सी इज लोहित सियांग एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। ब्रह्मपुत्र को जमुना जो है बांग्लादेश में जाना जाता है, यारलुंग त्सैंगपो तिब्बत में, और लोहित सियांग ये असम अरुणाचल के लोकल लैंग्वेज में जो है इन नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।